हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिश टू रिमेम्बर। आज मैं बनाने जा रही हूँ डाइट पुलाव। अगर आप डाइट करने का सोच रहे हैं तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। मैंने खुद इस रेसिपी को ट्राई किया है और एक वीक में मैंने 2 kg वजन कम किया है। आपको ये डाइट पुलाव हर दिन खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको एक दिन खाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि आप हर दिन सेम खाना नहीं खा सकते हैं। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी डाइट से रिलेटेड वीडियोस डालूं तो वो आपको तुरंत मिल जाए। डाइट पुलाव के लिए हमें धनिया की चटनी बनानी पड़ेगी, और धनिया की चटनी के लिए हमें चाहिए टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन, धनिया के कुछ पत्ते, काली मिर्च, और उसके साथ हमें चाहिए बॉयल कैबेज, बॉयल ब्रोकली एंड बॉयल ग्रीन बीन्स। कैबेज मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कैबेज काफ़ी अच्छा माना जाता है वज़न कम करने के लिए, क्योंकि कैबेज में कम कैलोरीज होता है और हाई फाइबर होता है। प्लस अगर आप कैबेज ज़्यादा खाते हैं तो आपका स्किन काफ़ी ही ग्लो करता है। ब्रोकली में भी हाई फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी लोग डाइट स्टार्ट करते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है, इसीलिए अगर आप अपने डाइट में ब्रोकली को लेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को कम कर देगा। ग्रीन बीन्स भी काफ़ी अच्छा होता है वेट लूज के लिए, क्योंकि वो जो आपके मोटापे का रिस्क होता है उसको कम कर देता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो कम करने में हेल्प करता है। यहाँ मैंने प्लेन राइस की जगह ब्राउन राइस लिया है, क्योंकि ब्राउन राइस बहुत ही हेल्दी कार्ब्स होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपका फैट बर्न करने में हेल्प करता है। और मैंने यहाँ पे एग लिया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर के कुछ पीसेस ले सकते हैं। अगर आपको पनीर अच्छी नहीं लगती है तो आप सिर्फ सब्जियों के साथ इस पुलाव को खा सकते हैं। मैंने एग इसलिए लिया है क्योंकि एग खाने को काफ़ी फीलिंग बना देता है। इसका ये मतलब है, अगर मैं कम खाना खाऊंगी तब भी मेरा पेट जल्दी भर जाएगा। धनिया की चटनी बनाने के लिए आपको अपने ग्राइंडर में डालना है टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और धनिया के कुछ पत्ते। ये आपकी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। डाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना पैन गरम कर लें। जैसे ही आपका पैन गरम हो जाए, आप उसमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल डालिए। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल भी नहीं है तो आप 1 स्पून घी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका तेल गरम हो जाए तो आप उसमें डालिए अंडा, और फिर इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए। क्योंकि हमारे तेल की मात्रा कम है, इसलिए हमें अपने गैस के फ्लेम को लो रखना है और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। ये आपका अंडा बन के तैयार हो चुका है। जैसे ही आपका अंडा बन जाए तो आप अपने गैस को बंद कर दीजिए। अब अपने ब्राउन राइस को अच्छी तरीके से अंडे में मिला लीजिए। जैसे ही आपका ब्राउन राइस अंडे में मिल जाता है तो आप उसमें डालिए अपनी पीसी हुई चटनी, और फिर चटनी को अच्छी तरीके से राइस में मिला लीजिए। जैसे ही चटनी मिल जाती है आप इसमें डालिए रॉक सॉल्ट। अगर आपके पास रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप इसकी जगह प्लेन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप ध्यान दीजिए कि आप अपने नमक की मात्रा को कम रखें। डाइट रेसिपी में आपको नमक की मात्रा कम रखनी होती है। पहले इसमें मिलाइए बॉयल कैबेज। जैसे ही आपका कैबेज चावल में मिल जाए फिर इसमें मिलाइए बॉयल बीन्स। मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग इससे मिलाया है ताकि मेरी सारी सब्जियां चावल में अच्छी तरह मिल जाए। जैसे ही आप इसमें बीन्स मिला लेते हैं तो फिर इसमें मिलाइए बॉयल ब्रोकली, और फिर इसको अच्छी तरीके से अपने पुलाव में मिला लीजिए। जैसे ही आपकी ब्रोकली मिल जाती है, आपका ये डाइट पुलाव बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको डाइट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है आप वो भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।